हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज शेक्सपियर, ए राइटर ऑफ सोनेट्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक, शेक्सपियर ए राइटर ऑफ सोनेट्स। ओके, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ सोनेट इन इंग्लिश। ओके, शेक्सपियर जो एक महान राइटर है किसके, सोनेट के, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में। ओके, शेक्सपियर सोनेट सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 154 सोनेट्स ऑन लव एंड फ्रेंडशिप। शेक्सपियर के जो सोनेट सीक्वेंस है कंसिस्ट, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, और वो 154 सोनेट्स किस पे लिखे हैं इन्होंने, देखिए लव पर लिखे हैं और फ्रेंडशिप पर लिखे हैं। ओके, बट द लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी की कमी है। ओके, दी सोनेट वर कंपोज ड्यूरिंग 5 or 6 ईयर्स फ्रॉम 1592, 1597 एंड 1598। ओके, ये जो इनके सोनेट्स हैं वो कंपोज हुए हैं 5 or 6 ईयर से। ओके, ड्यूरिंग 5 or 6 ईयर्स फ्रॉम 1592 से 1597, 1597 से, या फिर 1598 से। ओके, 1592, 1597 एंड 1598। ओके, इट इज़ ट्रू दे वर पब्लिश्ड इन 1609। इट इज़ ट्रू, ये बात सही है कि ये पब्लिश हुए हैं 1609 में, 1609 में इट वॉज पब्लिश्ड द सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड द सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू हिज फ्रेंड। और ये जो सोनेट्स हैं वो एड्रेस्ड करते हैं उनके फ्रेंड को, जिनका नाम क्या था, डब्ल्यू एच ऑर्डन एंड द डार्क लेडी। ओके, मिस्टर डब्ल्यू एच इज सपोज टू बी द अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। ओके, अर्ल ऑफ साउथैम्पटन, व्हाइल द डार्क लेडी इज बिलीव्ड टू बी मैरी फिटन, a maid of honor। okay, a maid of honor। thus these sonnets can be divided in two groups। इनके जो sonnets हैं वो दो भागों में divide किए गए हैं, मतलब दो group में। okay, on the basis of the variegation, sonnets 1 to 126 are dedicated to a young man। देखिए 1 से 126 तो dedicate करे गए हैं young man को, राइटली फेयर, दैट इज मिस्टर डब्ल्यू एच ऑर्डन। एंड सोनेट्स 127 से 152 आर डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी। ओके, 1 से 126 तो देखिए डब्ल्यू एच ऑर्डन, उनके लिए डेडिकेट किए गए हैं, और 127 से 152 तक डेडिकेट किए गए हैं डार्क लेडी, और ए लेडी कलर इन, दैट इज मैरी फिटन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ शेक्सपियर एज ए सोनेट्स। ओके, फर्स्ट है ग्रेट आइडियाज, सेकेंड हाई इमेजिनेशन, थर्ड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फोर्थ है आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, एंड फिफ्थ है ए परफेक्ट सोनेटो, एंड सिक्स्थ है कंक्लूजन। ओके, फर्स्ट है हमारा ग्रेट आइडियाज, शेक्सपियर सोनेट आर फुल ऑफ द ग्रेट आइडियाज। शेक्सपियर बिलीव्स इन डिवाइन पावर ऑफ लव। अकॉर्डिंग टू हिम True love is a divine quality not to be affected by worldly obstacle। Okay, देखिए शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ना वो पूरी तरह से बहुत बड़े बड़े आइडियाज से भरे हुए हैं। ओके, शेक्सपियर बिलीव इन डिवाइन पावर, शेक्सपियर विश्वास करते हैं जो देवीय शक्ति होती है प्रेम की। प्रेम क्या है, एक देवीय शक्ति है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ट्रू लव इज डिवाइन क्वालिटी। देखिए सच्चा प्यार जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सच्चा प्यार इज अ देवी डिवाइन क्वालिटी, मतलब देवी गुण होता है। नॉट टू बी अफेक्टेड बाई वर्दली ऑब्स्टेकल, जो किसी भी वर्दली ऑब्स्टेकल, अगर कोई भी सांसारिक बाधा आती है उससे कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ओके, डिवाइन क्वालिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाई वर्दली ऑब्स्टेकल, अगर सांसारिक कोई भी विघ्न बाधाएं आती है
तो ये नहीं है कि सच्चा प्यार बदल जाए, ऐसा नहीं है. ओके, इफ लव इज ट्रू देयर मे नेवर बी एनी ऑब्स्टेकल इन द यूनियन ऑफ लवर. इफ लव इज ट्रू, ओके, अगर प्रेम सच्चा है, देयर मे नेवर बी एनी ऑब्स्टेकल इन द यूनियन ऑफ लवर्स, तो प्रेमियों के बीच में कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती है. फॉर देयर लव इज ब्लेस्ड बाय हिम, क्योंकि उनको ये जो लव दिया जाता है वो भी ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ये. ओके, इफ ए लवर कंप्लेन ऑफ ऑब्स्टेकल, अगर कोई लवर कंप्लेन करता है, कोई भी प्रेमी ये शिकायत करता है ऑब्स्टेकल कि भाई ये बाधा आ गई, वो बाधा आ गई, आइदर हिज लव इज नॉट ट्रू, तो उसका प्यार जो सच्चा नहीं है फिर, अगर कोई कंप्लेन करता है तो. हैज़ नॉट फर्म फेथ इन इट्स डिवाइन पावर. ओके, और ना ही उसे अपने देवी शक्तियों पर विश्वास है. ओके, ट्रू लवर्स हैव ऑलवेज फेस्ड बर्थली ऑब्स्टेकल. देखिए, सच्चे प्रेमी जो होते हैं वो हमेशा सांसारिक बाधाओं का सामना करते हैं विद ग्रेट करेज, बहुत बड़े साहस के साथ और पेशेंस धैर्य के साथ. ओके, बींग डिवाइन ट्रू लव इज चेंजलेस एंड इमॉर्टल. दैवीय होने के कारण सच्चा प्रेम चेंजलेस है, ना तो ये कभी बदलता है और क्या है, और ना ही खत्म होता है. ओके, इफ एनी चेंज अपीयर्स इन ए लवर, अनडाउटली हिज और हर लव इज नॉट ट्रू. देखिए, अगर किसी का प्रेम बदल जाता है, ठीक है, लवर चेंज अपीयर्स, अनडाउटली हिज और हर लव इज नॉट ट्रू. ओके, अगर प्रेमी या प्रेमिका का लव में अगर कोई भी चेंजिंग होती है, दैट इज नॉट ए ट्रू लव, तो वो सच्चा प्यार नहीं है. ओके, दैट इज नॉट कॉल्ड ए ट्रू लव, हम उसको सच्चा प्यार नहीं कहेंगे. इफ ए लवर फियर्स ए बर्थली एनिमी, अगर ए लवर फियर्स ए बर्थली एनिमी, अगर सांसारिक शत्रुओं से डरता है डिवाइन पावर, इट इज श्योर दैट हर लव इज नॉट ट्रू, तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई उसका प्रेम सच्चा नहीं है. फॉर ट्रू लव हैज डिवाइन पावर, क्योंकि ट्रू लव जो होता है वो देवीय शक्ति रखता है, एंड डिफीट्स द बर्थली पावर ऑफ द डिस्ट्रॉयर, और हरा देता है वो जो भी विघ्न बाधाएं आती है, जो भी सांसारिक शक्तियां हैं उनके आगे वो उन चीज़ों को हरा देता है. मतलब ये है कि सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है. ओके, शेक्सपियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव इज सबलाइम. देखिए, शेक्सपियर का जो कॉन्सेप्ट है ट्रू लव का, वो बहुत ज़्यादा सबलाइम है, मतलब श्रेष्ठ है. इट इज़ ए मैटर ऑफ द सोल रेदर देन बॉडी ही ऑब्जर्व इन ट्रू लव. इट इज़ ए मैटर ऑफ सोल रेदर देन बॉडी, क्योंकि ये आत्मा का मैटर है. ओके, बॉडी का नहीं, शरीर का नहीं, बल्कि एक आत्मा का मैटर है ये. ही ऑब्जर्व इन ट्रू लव, वो ऑब्जर्व करते हैं ट्रू लव में, जैसे कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच आल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड और बैंड्स विद आर रिमूवल टू रिमूव. ओके, दीज लाइक इंडिकेशंस द ट्रू लव ऑफ द शेक्सपियर. ओके, कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कि भाई मुझे ऐसे प्रेमियों की तरफ मत लेके जाओ जिनका प्रेम झूठा है. ओके, क्योंकि लव इज नॉट लव, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है जो कि थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आने पर खत्म हो जाता है. ओके, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है हाई इमेजिनेशन. शेक्सपियर्स हाई इमेजिनेशन इज एक्सपोज्ड इन हिज सोनेट. ही इमेजिन्स दैट ट्रू लव हैज डिवाइन पावर, देयरफॉर इट शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ वर्ल्डली डेंजर्स, एंड ही इमेजिन्स ट्रू लव इज फिक्स्ड लाइक द मार्क ऑफ डेंजर ऑन द ब्रिज ऑफ ए डीप रिवर. ओके, शेक्सपियर ने हाई इमेजिनेशन इसमें एक्सपोज करी है अपने सोनेट्स में, और वो इमेजिन करते हैं कि ट्रू लव जो है, ट्रू लव हैज डिवाइन पावर, सच्चा प्रेम देवीय शक्ति रखता है, इट शुड नॉट बी अफ्रेड, और किसी भी प्रकार के सांसारिक खतरे आते हैं या सांसारिक बाधाएं आती हैं तो वो नहीं डरता है. ही इमेजिन्स ट्रू लव इज फिक्स्ड लाइक ए पोल स्टार, क्योंकि सच्चा प्रेम पोल स्टार की तरह होता है, ध्रुव तारे की तरह होता है. ओके, दैट लुक्स इन द टेम्पेस्ट, जो तूफानों में भी दिखाई देता है. ओके, विद द राइजिंग वाटर दैट मोर एंड मोर टाउन्स शैल बी फ्लडेड विद द वाटर. पीपुल फियर एंड देयर हार्ट्स आर शेकन बट द मार्क रिमेन अनशेकन. इन द सेम वे सीइंग लवर्स इन डेंजर पीपुल फियर, बट द ट्रू लवर रिमेन्स फियरलेस
for their hearts are filled with divine courage and patience. ओके, अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन. स्ट्रॉन्ग इमोशन शेक्सपियर एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को इन हिज सोनेट. इन ट्रू लव ही प्लेड्स दैट लव इज इमॉर्टल एंड नॉट टू बी चेंज इन एनी कंडीशन. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिस्टिक एक्सीलेंस. शेक्सपियर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस इज वेल एक्सपोज्ड इन हिज सोनेट. शेक्सपियर्स यूज ऑफ सेंसुअस वर्ड pictures make the sonnet remarkable. In the following lines, lively word pictures are drawn artistically. Okay, love is not times full, though rosy lips and cheeks with his bending sickles compass come. क्योंकि सच्चा प्रेम जो है वो समय के हाथ की कठपुतली नहीं है. समय के द्वारा rosy lips और cheeks जो हैं वो समय के साथ ढल जाते हैं, व्यक्ति के फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. Okay, और क्या होता है ये सिकल्स हैं, एक तरीके से बैंडिंग सिकल्स हैं. सबसे पहले जो ओल्ड एज आती है वो फेस से ही झलकती है. ओके, लेकिन सच्चा प्रेम जो है इट्स नॉट द बैंडिंग सिकल्स. ओके, इट्स नॉट द टाइम्स फूल, ये समय के हाथ की कठपुतली नहीं है. ओके, शेक्सपियर यूज सिंबल इमेजनरी पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल इन द फॉलोइंग लाइंस. ओके, अब नेक्स्ट है आपका ए परफेक्ट सोनेट. शेक्सपियर इज ए परफेक्ट सोनेट. ट्रू लव इज हिज रिप्रेजेंटेटिव सोन. इन सोनेट शेक्सपियर फॉलोज द इंग्लिश पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर विद फोर स्टैंजा और फोर लाइन्स ईच फॉलोड बाई ए राइमिंग कपलेट. ओके, एंड नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन. शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ सोनेट्स इन इंग्लिश एंड शेक्सपियर सोनेट सीक्वेंस consist of 154 sonnets or on love and friendship. Okay, Shakespeare's high imagination is exposed in his sonnets. Okay, and the sonnets of Shakespeare are full of great ideas. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much guys. Next topic hoga hamara Jordan as a poet.